नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनुराग MM 21 में। सबसे पहले आपका और भारत आए हुए हर एक छात्र का हमारी ऑफिशियल अनुराग MM 21 और मीडिया की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अपने देश में आप वापस लौटा। आज हमारे साथ आदिल खान जी मौजूद हैं, जो कि यूक्रेन से वापस आए हुए हैं, कुराव प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो आप वापस आए हैं रिटर्न को भारत में, तो आपको कैसा लग रहा है जी? इंडिया के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है जी। जब आप यूक्रेन में यूक्रेन से निकले, तो वहाँ के क्या हालात थे? और वहाँ के आपके फ्रेंड भी रहे होंगे, कुछ और भी लोग रहे होंगे, स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो क्या वो भी भारत वापस आ गए या फिर अभी भी कुछ फंसे हुए हैं? फ्रेंड्स मेरे जितने थे वो सब तो आ चुके हैं, साथ में ही थे सारे, तो हम सब साथ में ही चले थे। और लगभग मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सारे आ चुके हैं। और तो आप वहाँ किस मार्ग से निकले और आप वहाँ कहाँ रहते थे, किस यूनिवर्सिटी में रहते थे और यूक्रेन के किस प्रांत में रहते थे वहाँ? मैं था इवानो फ्रैंकविस्ट में, इवानो फ्रैंकविस्ट नेशनल मेडिकल कॉलेज में, और थर्ड ईयर है मेरा। तो और कुछ सीनियर्स भी थे, तो सब साथ में निकले थे। रोमानिया के लिए हम लोग निकले थे, तो रोमानिया बॉर्डर पर हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से हमने क्रॉस किया। वहां से जब निकले आप, तो कितने छात्र आपके साथ रहे होंगे, आप मतलब आपके ग्रुप में जितने लोग? तीन बसेस अरेंज की थी, तो लगभग 150 अराउंड। एक बस में 150? नो नो, अच्छा मतलब तीनों बस, एक बस में 50 के अराउंड। अच्छा, तीन बसेस में। वहां इंडियन एम्बेसी का क्या हाथ रहा, क्या रोल रहा इंडियन एम्बेसी का? काफी अच्छा रोल था। एम्बेसी का रोल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद काफी अच्छा रोल था वहाँ पे। अच्छा। पूरा सपोर्ट किया उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने में, और उसके बाद रहने के लिए रोमानिया के अंदर, वहाँ के लोग भी काफी अच्छा सपोर्टिव थे, तो काफी अच्छा रोल था उनका, उन्होंने हेल्प की हर चीज। इंडियन एम्बेसी ने काफी मदद की आपको। तो रूसी सेना की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, रूसी सेना की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं और यूक्रेन की ओर से भी पलटवार भी किया जा रहा है। तो इसमें यूक्रेनी सैनिक कह रहे हैं, और यूक्रेन के इस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। तो छात्रों को कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक या फिर वहाँ के नागरिक आने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आने नहीं दिया जा रहा है, बंदी बना लिया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या ये हकीकत है या फिर? इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, हमारे सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं था, और फिलहाल ऐसा मुझे पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, और जहां हो रहा होगा तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कुछ। तो पाकिस्तान का भी एक इसी में कहना कुछ आया है। पाकिस्तान का कहना है कि हम भारत के लोगों का और भारत के छात्रों का मदद कर रहे हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? क्योंकि काफी सारे वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं, काफी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के छात्र खुद ही वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं कि हमें यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा पाकिस्तान से। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या वो मदद कर रही है भारत के छात्रों का, या फिर पाकिस्तान का ही साथ नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान के छात्रों का ही साथ उनका पाकिस्तान नहीं दे पा रहा? के बारे में तो पाकिस्तान के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि कोई कांटेक्ट में है नहीं, और कुछ ऐसा पता भी नहीं कि उन्होंने हेल्प की। मेरे अकॉर्डिंग तो उनका कोई रोल नहीं था फिलहाल। अच्छा। हाँ, तो आप जब वहाँ रहे होंगे तो आपके कुछ विदेशी फ्रेंड्स भी बने होंगे वहाँ, मतलब आउट ऑफ इंडिया के भी? जी जी। तो वहाँ की क्या स्थिति है, वो क्या अपने अपने घर वतन वापस हो गए? सब निकल चुके हैं, लिबनान के कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, क्लासमेट बैचमेट हैं वो सब, तो वो सब अपने घर जा चुके हैं। और कुछ साउथ अफ्रीका के थे, नाइजीरियन थे जी, तो वो भी अपने घर जा चुके हैं सारे, मोस्टली मैं जिनको जानता हूँ वो जा चुके हैं। और नेपाल ने भी इसी दौरान भारत से मदद मांगी है कि हमारे भी छात्रों को इंडिया निकाले, जैसे अपने छात्रों को निकाल रही है, अपने देश के लोगों को निकाल रही है। तो क्या नेपाल के भी कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ आपके जानकारी में, या फिर कुछ लोग थे? मेरे नॉलेज में तो नॉलेज नहीं थे, नहीं थे। तो नहीं। आपके साथ जो भी फ्रेंड्स थे वो सारे भारत वापस आ चुके? कुछ MP के, बिहार के, वो सब जो थे सारे, और पंजाब के भी थे, तो मेरे जानने में जितने थे तो वो सारे आ चुके हैं, क्योंकि सब साथ में ही थे तो वो लोग आ चुके हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हर दिन आ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे अभी, काफी तादाद में बच्चे हैं अभी वहाँ पे, धीरे धीरे वो सब निकल रहे हैं।
तो अभी जब आप आए तो वहां के क्या हालात थे, क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी वहां पे, स्थिति कोई डर सा माहौल, या फिर दिखाया जा रहा है वीडियोस में भारत का झंडा लगा है तो कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या ये हाँ ऐसा ही था। हकीकत बस हमने जो अरेंज कराई थी तो उसमें भारत का फ्लैग आगे साइड लगा रखा था, तो बाकी उसमें कोई रोक नहीं था, उसको डायरेक्ट जाने दिया गया। लेकिन बॉर्डर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही बस को रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी तो आगे नहीं जा पाया। तो उसके बाद फिर हम लोग पैदल ही जाना हुआ पंद्रह फिर। से 20 किलोमीटर आप पैदल चलिए, आप और मतलब जो भी आपके साथ जी फिर थे। बॉर्डर पे, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्राउड था तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब आप लोग पहुंचे होंगे रोमानिया बॉर्डर पे, तो वहां की क्या स्थिति थी, वहां क्या माहौल था, क्या लोग मदद कर रहे थे या फिर कुछ और देखने मिला वहां जब पहुंचे आप तो? बॉर्डर पे तो ये था कि क्राउड बहुत ज्यादा था और बहुत धीरे धीरे करके बच्चों को निकाला जा रहा था, तो बट धीरे धीरे घर के ही निकल गए सब। अब थोड़ी तो दिक्कतें वहाँ थी, बॉर्डर पे दिक्कत होती है काफी। बाकी फिर रोमानिया में एंटर करने के बाद वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं थी। एम्बेसी थी और रोमानिया के लोग भी थे, वो काफी सपोर्टिव थे बहुत ज्यादा, तो रोमानिया के वहाँ लोगों अच्छा ने लगा। हेल्प किया हाँ, काफी काफी हद अच्छा था। तक। बाकी बॉर्डर पे तो समझ ही सकते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काफी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था वहाँ पे और निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन ईश्वर की कृपा से आ गए। और अगर अब आगे की बात करते हैं वहाँ, क्योंकि स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है और कोई ऐसा सुझाव नहीं निकल रहा कि वहाँ युद्ध बंद हो या फिर कुछ, तो क्या वहाँ देखने मिला, बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं काफी बिगड़। बॉम्बिंग तो मैंने अपने जी आंखों से देखा है सामने ही, और एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था ईवानों में, तो जी वहाँ पे 4 बॉम्बिंग हुई थी वहाँ पे, और बस यही था। और माहौल तो रहता ही डर का। जी डर का माहौल था, बना था वहाँ। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या या यूक्रेन ने या फिर रूस ने रूस ने गलत फैसला लिया या ऐसा कुछ नहीं करना, आगे आपको क्या लगता है? कल विधायक यहाँ के कुराव क्षेत्र के विधायक भी आपसे मिलने आए, जी तो उनसे क्या बोला गया, उनकी ओर से कुछ कहा गया कुछ काफी अच्छे सपोर्ट थे के लिए? उन्होंने। या जी उन्होंने कहा कि भैया कि कोई भी सपोर्ट हो वो हेल्प जी हेल्प करेंगे। बाकी अब वहाँ के लिए मैं क्या ही बोलूँ, कैसा कंडीशन है। बाकी आगे इंडियन सरकार से आपकी गवर्नमेंट क्या है उम्मीद है, क्या कुछ आगे के लिए, क्योंकि कि अब सपोर्ट करें हमें, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन है, कब जी तक हालात ना जी नॉर्मल होते हैं नहीं पता, जी और मे भी क्या हो आगे ये भी नहीं पता। तो गवर्नमेंट को मे भी कुछ करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सबकी लाइफ के लिए, और कुछ करना चाहिए उन्हें जो बेहतर लगे एडमिशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी टाइम आपने निकाला, क्योंकि अभी थके हुए हैं और लोगों का मिलना जुलना भी स्टार्ट है, और उसमें हमें आदिल खान जी ने अपना टाइम दिया, कीमती समय, इस समय उनका समय बहुत कीमती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी ऑफिशियल अनुराग M21 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।